हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे कि यमुना अथॉरिटी के जो यहाँ पे प्लॉट्स हैं वो किस सेक्टर में किस किस साइज के प्लॉट है, यानी कि छोटे प्लॉट जो है वो कौन से सेक्टर में है और बड़े प्लॉट जो है वो कौन से सेक्टर में, ये सारी डिटेल जो है वो आज आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो यहाँ पे प्लॉट खरीदना चाहते हैं, जो इधर यमुना अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर हम कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमें बनाने का इसमें इंटरेस्ट आता है और ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो इस पर बनाएंगे अगर आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डिटेल से कि किस सेक्टर में किस किस साइज के प्लॉट जो है यमुना अथॉरिटी के यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे छोटे प्लॉट से, जैसे कि 120 स्क्वायर मीटर से और यहाँ पे 162 स्क्वायर मीटर के प्लॉट जो है, तो ये प्लॉट जो है ये आपको सेक्टर 22D यानी कि सेक्टर 22 के पॉकेट डी में जो है ये प्लॉट आपको देखने के लिए मिलेंगे 120 स्क्वायर मीटर के और 162 स्क्वायर मीटर के। अगर छोटे प्लॉट आप लेना चाहते हैं तो आपको सेक्टर 22D में जो है ये प्लॉट मिलेंगे। अगर यहीं पे आप 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट लेना चाहते हैं तो सेक्टर 18 जो है इसके सभी पॉकेटों में, मोस्टली जितने भी इसके पॉकेट है, जैसे कि आई पॉकेट हो गया, जे पॉकेट हो गया, 2C हो गया, 2A हो गया, 3A हो गया, 3B हो गया, 3C हो गया, इस तरीके से जो भी पॉपुलर इसके पॉकेट है सभी में आपको 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे सेक्टर 18 में। अगर यहीं पर हम बात करें कि बड़े प्लॉट जो है वो किस सेक्टर में अवेलेबल होंगे, तो सेक्टर 20 जो है इसमें आपको डिफरेंट साइज के जो है प्लॉट यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि 300 स्क्वायर मीटर के भी आपको प्लॉट यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, आपको यहाँ पे 500 स्क्वायर मीटर के भी प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे, 1000 स्क्वायर मीटर के भी देखने के मिलेंगे, 4000 के भी और 2000 के भी प्लॉट जो है वो आपको सेक्टर 20 में देखने के लिए मिलेंगे। मैं आपको पॉकेट भी क्लियर कर देता हूँ कि किस पॉकेट में किस किस साइज के प्लॉट जो है वो अवेलेबल है। अगर आप सेक्टर 20 की ए पॉकेट देखते हैं तो यहाँ पे आपको 4000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट मिलेंगे, अगर आप बी पॉकेट देखते हैं सेक्टर 20 की तो आपको यहाँ पे 2000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट मिलेंगे, अगर आप यहीं पे सी और डी पॉकेट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको 1000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट मिलेंगे, और अगर आप 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट देखते हैं सेक्टर 20 में तो आपको यहाँ पे ई पॉकेट से लेके और आपको पी पॉकेट तक जो है 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप यहीं पे 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट देखते हैं सेक्टर 20 में तो आपको यहाँ पे क्यू पॉकेट से लेकर और यू पॉकेट तक जो भी पॉकेट हैं उनमें आपको 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से यमुना अथॉरिटी के जो सेक्टर हैं, सेक्टर 22D हो गया, सेक्टर 18 हो गया और सेक्टर 20 हो गया, तो इनमें इस तरीके से आपको प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। और ये हमेशा ध्यान रखें कि सेक्टर 18 जो है इसमें मोस्टली 300 स्क्वायर मीटर के और सेक्टर 20 जो है इसमें डिफरेंट साइज के प्लॉट जो है अवेलेबल है। और यहीं पे अगर आप इंडस्ट्रियल प्लॉट देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, यमुना प्राधिकरण के आप इंडस्ट्रियल प्लॉट देख रहे हैं तो वो आपको देखने के लिए मिलेंगे सेक्टर 29 यानी कि सेक्टर 29 में जो है आपको इंडस्ट्रियल प्लॉट और सेक्टर 32 में आपको जो है इस तरीके के प्लॉट जो है देखने के लिए मिलेंगे। और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया जो है, जैसे कि 29 सेक्टर हो गया, उसमें आप अगर कोई भी फैक्ट्री लगाते हैं तो आप टॉय से रिलेटेड ही फैक्ट्री उसमें लगा सकते हैं, यानी कि जो खिलौने वगैरह के जो होते हैं उस तरीके की जो फैक्ट्री है वो आप 29 सेक्टर में लगा सकते हैं, उसमें आप इसी तरीके की जो फैक्ट्री है वो लगा सकते हैं। अगर आप यहीं पर बात करें तो 32 सेक्टर जो है इंडस्ट्रियल एरिया का, वहाँ पर आप किसी भी तरह की जो फैक्ट्री है वो लगा सकते हैं, कोई भी वेयर हाउस वगैरह जो है वो आप वहाँ पर ओपन कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको इंडस्ट्रियल प्लॉट चाहिए तो आपको 29 या 32 सेक्टर जाना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि यमुना अथॉरिटी के किस सेक्टर में किस किस साइज के प्लॉट जो अवेलेबल है, कहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट अवेलेबल है और कहाँ इंडस्ट्रियल प्लॉट अवेलेबल है। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप रिको प्राधिकरण यानी कि राजस्थान में रिको प्राधिकरण जो है उधर प्लॉट लेना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या उधर कोई फैक्ट्री वगैरह आप लगाना चाहते हैं, जैसे कि राजस्थान में कुछ प्लेस हो गए जैसे कि निमराना हो गया, गहलोत हो गया, रेवाड़ी हो गया, भिवाड़ी हो गया, इस तरीके के जो रिको प्राधिकरण के अंडर आते हैं उधर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी तरीके के प्लॉट में, इंडस्ट्रियल प्लॉट में, चाहे वो नीलामी के थ्रू है या वो कोई रीसेल में प्लॉट है, अगर आप उधर प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पर। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो यमुना अथॉरिटी में या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में या रिको प्राधिकरण में राजस्थान इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट या इंडस्ट्रियल प्लॉट में, उनके पास आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं।
अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।